हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे लघु बीजाणुधानी की संरचना, जिसके दो भाग थे। नंबर एक पराग भित्ति, पराग भित्ति। नंबर दो बीजाणुजन उत्तक, बीजाणु जन उत्तक। पराकोष भित्ति के चार स्तर थे। नंबर एक बाह्य त्वचा, नंबर दो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। नंबर तीन मध्य परतें, नंबर चार टेपिटम, जिसका अध्ययन हम कर चुके थे। तो आज हम टेपिटम की बात करेंगे। बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम, मध्य परतें, टेपिटम का सामान्य रूप से अध्ययन कर चुके थे, लेकिन अलग से आज का टॉपिक है टेपिटम क्या है। यह पराकोष भित्ति की सबसे आंतरिक परत है, अर्थात जिसकी कोशिकाएं मोटी होती हैं, जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। शगन कोशिका द्रव पाया जाता है। ये टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इसका कार्य होता है विकासशील पराकणों को पोषण प्रदान करना, इसलिए इसे पोषक स्तर परत भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, पोषक स्तर परत के नाम से किसे जाना जाता है? टेपिटम को। तो ये पोषक स्तर परत है जो विकासशील पराकणों को पोषण प्रदान करती है। हम केवल टेपिटम की बात यहां कर रहे हैं। टेपिटम के दो प्रकार हैं। टेपिटम की हम बात करें, टेपिटम के दो प्रकार हैं। नंबर एक अमीबी टेपिटम, अमीबिये टेपिटम या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम, पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम की जो भित्तियां होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने से इसका जीव द्रव इससे मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के बाद में ये संयुक्त होकर अमीबी टेपिटम का निर्माण करता है। अर्थात एक प्रकार से यह है अमीबा की तरह चलकर विकासशील पराकणों को पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसे कहा जाता है अमीबियम टेपिटम। यानी इसकी भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाओं की भित्तियां क्या हो जाती हैं? नष्ट। और नष्ट होने के बाद में इसका जीव द्रव पराग कोष से मुक्त हो जाता है, तथा ये संयुक्त होकर यानी अमीबिया पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम का निर्माण करता है, जो अमीबा की तरह चलकर विकासशील पराकणों को पोषण प्रदान करता है। ये टाइफा एलिस्मा के अंदर एक प्रकार से इस प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। नंबर दो है श्रावीय ग्रंथिल टेपिटम, श्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम की भित्तियां होती हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। जबकि पदार्थों का क्या करती हैं? स्राव करती हैं, जो विकासशील पराकणों को पोषण प्रदान करता है। और इस ग्रंथिल टेपिटम की कोशिकाओं में लिपिड प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रोयूबिस्काय। ध्यान रहे, जिसे बोलते हैं प्रोयूबिस्काय बोलते हैं, इसे प्रोयूबिस्काय बोलेंगे। और इसके चारों तरफ एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाता है, जिससे यह प्रोयूबिस्काय होता है, जो यूबिस्काय में बदल जाता है।
यूविस्काय। ध्यान रहे कि जब प्रोयूविस्काय के चारों तरफ इस प्रोपोलेनिन रासायनिक पदार्थ जमा हो जाता है तो यह यूविस्काय में बदल जाता है, जो पराग कण की जो भाएं चोल होगी, ये भाएं चोल होगी उसके निर्माण में सहायक कौन होता है, इस प्रोपोलेनिन। ध्यान रखें कि पराग कण की भाएं चोल होती है जो किससे बनी होती है, इस प्रोपोलेनिन से बनी होती है। यही कारण होता है कि पराग कण होते हैं जो जीवाश्म के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि भाएं चोल किससे बनी होती है, इस प्रोपोलेनिन से। तो टिप्टम का कार्य भी आप समझ चुके हैं, टिप्टम का कार्य क्या है, यानी नंबर एक विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। टिप्टम का कार्य क्या है, नंबर एक विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना, अर्थात इसके द्वारा इस प्रोपोलेनिन रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो पराग कण की भाएं चोल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इसी प्रकार से पराग कण का यानी टिप्टम का नंबर तीन कार्य है, इसके द्वारा कैलेज एंजाइम स्रावित होता है। कैलेज एंजाइम क्या है कि पराग कण होंगे, जब पराग कणों का निर्माण होगा तो उसके बीच में ये कैलोज परत बनेगी, ये कैलोज परत है और यही कैलेज एंजाइम इस कैलोज परत का ये क्या करता है, अपघटन करता है, जिससे ये पराग कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो कैलेज एंजाइम इस कैलोज परत का क्या करता है, अपघटन करता है, जिससे पराग कण होते हैं जो पराग चतुष्क से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसी टेप्टम के द्वारा IA इंडोल एसिडिक अम्ल का क्या होता है, स्राव भी होता है। पादप हार्मोन है इंडोल एसिडिक अम्ल, इसका स्राव भी टेप्टम के द्वारा होता है, और साथ ही यह पोलन किट का निर्माण करता है। पोलन किट क्या है, बात हम ये भी करते हैं कि पोलन किट क्या है। पराग कण के ऊपर पाई जाने वाली, ये पराग कण है इसके ऊपर पाई जाने वाली तेली परत को पोलन किट बोलते हैं। ये पोलन किट है, अर्थात ये क्या काम करती है, पराग कण को चिपचिपा बनाती है, गंध प्रदान करती है, ये पोलन किट का कार्य है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो हम कह सकते हैं कि पराग कण के ऊपर पाई जाने वाली तेली परत को क्या कहा जाता है, पोलन किट। तो टिप्टम है, अर्थात टिप्टम के बारे में प्रश्न भी आ जाता है कि यदि टिप्टम को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, तो आपको बताना है टिप्टम का मुख्य कार्य विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना होता है। यदि टिप्टम को नष्ट कर दिया जाएगा तो पराग कण रुद्र वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। तो ये था टिप्टम के बारे में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।